good morning dear students today we will discuss the question answer of the spider and the fly by mary howard this is the poem poem number eight and this is the fable poetry from class seven from english alive literature reader so basically bacho there are three parts part a part b and part c we are going to solve all the parts so be with me and let's start so part a read the stanzas and answer the question number 1 will you walk into my parlor said the spider to the fly this the prettiest little parlor that ever you did spy the way into my parlor is up a winding stair and i have a uh, many curious things to show when you are there oh no no said the little fly to ask me is in vain for who goes up your winding stair कैन नेवर कम डाउन अगेन बच्चों दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट दिस वॉज द स्टैंडर फ्रॉम द पोएम और ये मैंने अपनी अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए पोएम पर तो आप मेरी पहली वीडियो जो मैंने बनाई है वो आप देख सकते हैं उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा तो अभी हम इसकी हिंदी ना करके अब इसके आंसर्स की मैं हिंदी आपको ट्रांसलेट करूँगी और आपको समझाऊँगी सो so, इस स्टैंडर के बेस पे देर आर फोर questions a b c d so let's start with a question a is what cordial invitation did the spider extend to the fly fly ko kya nimantran diya tha spider ne तो आंसर है स्पाइडर इनवाइटेड फ्लाई इन टू हिज पार्लर स्पाइडर ने उसको इनवाइट किया था कि आओ मेरे पार्लर में टू अवेल द फैसिलिटीज ऑफ द पार्लर जो पार्लर में जो भी उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं वो सब वो अवेल कर सकती है लाइक शी कैन स्लीप ओवर द बेड एंड देयर आर कर्टन्स थिन एंड फाइन शीट्स रिमेंबर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी वट डज स्पाई मेन हेयर यहाँ पर स्पाई का क्या मीनिंग है हेयर स्पाई मेन्स टू सी देखना लुक लुक आफ्टर नाउ क्वेश्चन नंबर सी वट थ्री टैम्पटेशंस डिड द स्पाइडर यूज टू ट्रैप द फ्लाई तीन टैम्पटेशन कौन कौन सी थी जो स्पाई ने स्पाइडर ने यूज़ किया उसको फ्लाई को ट्रैप करने के लिए उसको पकड़ने के लिए so answer is three temptations were that the spider attracted to trap the fly were that my parlor is the prettiest you ever saw तो तीन टेम्पटेशन जो उसने अट्रैक्ट करने के लिए फ्लाई को दिया था स्पाइडर ने वो कौन कौन सी थी एक तो उसने बोला कि मेरा जो पार्लर है वो बहुत सुंदर है जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा सेकंड ही ल्यूड हर बाय सेइंग दैट देयर आर वाइंडिंग स्टेयर्स एंड मैनी क्यूरियस थिंग्स टू शो हर और उसने दूसरा क्या बोला कि उसको लुभाने के लिए ताकि फ्लाई उसके झांसे में आ जाए उसने कहा कि वहाँ पर आप देखो मेरे वाइंडिंग स्टेयर्स हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी और बहुत सारी क्यूरियस जिज्ञासा वाली चीजें हैं जो मेरे पार्लर में हैं आओ उन्हें देखो सो दीज वर थ्री टैंपटेशंस नाउ क्वेश्चन नंबर डी वाई वॉज द इन्विटेशन इन वेन अब जो उसका जो निमंत्रण था स्पाइडर का फ्लाई के लिए तो वो व्यर्थ क्यों गया क्यों बेकार गया आंसर इज इन्विटेशन वॉज इन वेन बिकॉज फ्लाई रिफ्यूज ऑल ऑफर्स ऑफ स्पाइडर क्योंकि फ्लाई ने जितने भी ऑफर स्पाइडर दे रहा था वो सभी उसने रिफ्यूज़ कर दिए सिरे से नकार दिए कि मुझे आपके पार्लर को नहीं देखना नाउ क्वेश्चन नंबर टू देर इज एनदर स्टेंजा आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस ओ नो नो सेट द लिटिल फ्लाई Kind sir, that cannot be. I have heard words in your pantry and I do not wish to see. So this was the stanza and based on this stanza there are four, another four parts A, B, C, D. So number one is who does I refer to in the first line? First line mein I kisko refer gaya? I refer to the spider in the first line. Pehli line mein I spider ko refer kiya Part B. वट वॉज द स्पीकर ऑफरिंग फ्रॉम हिस्स गुड स्टोर स्पीकर ने स्पीकर यहां पर कौन है स्पीकर इज स्पाइडर तो स्पाइडर ने क्या ऑफर किया अपने गुड स्टोर से द स्पीकर ऑफरिंग स्लाइस फ्रॉम हिज गुड स्टोर तो स्पीकर ने अपने गुड uh, स्टोर से उसके लिए स्लाइस ऑफर किया क्लियर बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर सी Why was the fly not interested in seeing the contents of the pantry? जो fly है वो क्यों उसने interest नहीं लिया कि क्या-क्या content है pantry में क्या-क्या चीजें खाने की उसने क्यों interest नहीं लिया? Answer is the fly not interested in seeing the content of the pantry because she already heard about the content of his pantry. उसने already सुना हुआ था कि spider की pantry में क्या-क्या है तो इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रही थी उसने बोला था ना कि आई हैव ऑलरेडी हर्ड वट यू हैव इन योर पेंट्री सो नाउ क्वेश्चन नंबर डी मैंशन द राइम स्कीम यूज इन द दफोर्सड लाइन्स ये ऊपर जो स्टेंजा था उसकी राइम स्कीम क्या थी तो राइम स्कीम यूज इज ए ए बी बी क्लियर बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देर इज़ एनदर स्टेंजा for well he knew the silly fly would soon come back again so he wove a subtle web in a little corner sly and set his table ready to dine upon the fly now based on this uh, stanza there is one question what do the lines tell us about the spider take the correct words there are there is a table and there are written फ्यू uh, वर्ड्स तो हमें अंडरलाइन करने हैं कौन कौन से वर्ड्स उसको इस स्टेंजर uh, के अकॉर्डिंग सूट करते हैं स्पाइडर को सो द वर्ड्स आर स्कीमिंग तो इस स्टेंजर में क्या लग रहा है कि जो स्पाइडर है वो स्कीम बना रहा है ब्लड थ्रस्टी है वो वो उसको ब्लड पीना है उसको खाना है ब्रूटल है अत्याचारी है क्रूअल है बहुत कठोर है क्रूर है फायरस है क्रूर है और बोल्ड है ठीक है नाउ फोर्थ Question fourth, Hearing his willy flattering words came slowly flitting by. With buzzing wings she hung aloft then near and nearer drew. Thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue. Thinking only of her crested who had poor foolish thing. So based on this stanza, there are questions A, B, C, D. So let's start. क्वेश्चन ए हु डज हिज एंड शी रेफर टू अब इस टेंशा में हिज और शी किसको रेफर किया गया है हिज रेफर टू स्पाइडर एंड शी रेफर टू फ्लाई नाउ क्वेश्चन बी वाई डू यू थिंक द वर्ड थिंकिंग हैज़ बिन रिपीटेड यहाँ पर थिंकिंग दो बार रिपीट किया गया है बच्चों क्यों रिपीट किया गया ये क्वेश्चन पूछा गया है तो द वर्ड थिंकिंग हैज बिन रिपीटेड बिकॉज द स्पाइडर यूज सच फ्लैटरिंग वर्ड्स फॉर द फ्लाई थिंकिंग इसलिए रिपीट किया गया क्योंकि जो स्पाइडर था उसने फ्लाई के लिए बहुत सारे फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज़ किए थे उसको वो काफ़ी मक्खन लगा रहा था कि आपके बहुत सुंदर हैं विंग्स अच्छे हैं आइज़ अच्छी हैं एंड शी लव टू लिसन सच वर्ड्स और वो उन वर्ड्स को सुन के बहुत खुश हो रही थी दैट शी थिंकिंग अगेन वन अगेन एंड अगेन फॉर हरसेल्फ इसलिए वो इसलिए लाइन को स्ट्रेस डालने के लिए यूज़ किया गया है ताकि ऐसा लगे कि वो सच में बार बार सोच रही है अपने बारे में जो उसने बोला है नौ क्वेश्चन सी पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजिज दैट डिस्क्राइब द वैनिटी ऑफ द फ्लाई बच्चों यहाँ पे वैनिटी मतलब है घमंड तो ऐसे कौन से वर्ड्स या फ्रेजेज हैं इस टेंशन में जिससे ये पता चलता है कि मक्खी को अपने ऊपर घमंड होने वाला है या हो गया है तो आंसर इज विद बज़िंग विंग्स शील हंग अलॉफ्ट एक तो ये फ्रेज था एंड ब्रिलियंट आईज यूज किया गया है ग्रीन एंड पर्पल ह्यू क्रेस्टेड हैड तो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं जिससे फ्लाई uh, को सच में लगने लगा था कि वो वाकई में इतनी सुंदर है बहुत अच्छी है नाउ क्वेश्चन नंबर सी बच्चों ये पार्ट खत्म होता है यहाँ पर देन वी विल डिस्कस now question uh, part b first so students there is a part b the spider wove a subtle word web to flatter and trick the foolish fly complete the table based on the conversation between the spider and the fly a few has been done for you yahan par ek table diya gaya hai jo incomplete hai wo humne fill under blanks karna hai इसमें spider का invitation है उसने क्या क्या बोला है और fly का क्या reply रहा है So invites her to see डैश हिज़ पार्लर तो उसने कहाँ इनवाइट किया था अपने पार्लर में और फ्लाई ने क्या रिप्लाई किया ओ नो नो नेक्स्ट इज सेज शी कैन रेस्ट अपॉन माय बेड उसने क्या कहा आप आओ और हम मेरे बेड पर रेस्ट कर सकते हो फ्लाई uh, ने क्या रिप्लाई किया दे नेवर वेक अगेन हु स्लीप ऑन योर बेड जो आपके बेड पे सोते हैं वो कभी दोबारा उठ नहीं पाते नेक्स्ट इज ऑफर्स टू कम इन पेंट्री टू ईट उसने कहा आओ पेंट्री में कुछ खा लो तो उसने क्या जवाब दिया रिप्लाई क्या किया फ्लाई ने काइंड सर दैट कैन नॉट बी नहीं सर वो नहीं हो सकता नेक्स्ट है टेल्स हर टू बी होल्ड योर हर सेल्फ उसने कहा आप आओ ग्लास में अपने आप को देखो बी होल्ड योर सेल्फ और उसने बदले में जवाब क्या दिया आई थैंक यू जेंटल सर नेक्स्ट इज टेल्स हर दैट हर आइज़ आर ब्यूटिफुल उसने कहा आपके आइज़ आपके विंग्स बहुत सुंदर हैं तो उसके रिप्लाई क्या दिया कम्स नियरर एंड नियरर और ये सुनकर वो और नजदीक चली गई नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट सी थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन बेसिकली देर आर थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वट यू थिंक हैपन टू द फ्लाई इन द एंड आपको क्या लगता है आप क्या सोच रहे हैं कि फ्लाई के साथ एंड में क्या हुआ होगा वट लेसन डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे वैन शी एडवाइज रीडर्स टू क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आइज़ तो लेसन भी क्या आप पोइट जो है क्या लेसन देना चाहती है क्या कन्वे मैसेज करना चाहती है जब वो ये रीडर्स को एडवाइज करती है सलाह देती है कि आप अपने अपने दिल अपने कान और अपनी आँखें बंद कर लीजिए इन द एंड द फ्लाई वॉज इटर्न अपाइडर एंड में क्या हुआ जो फ्लाई है उसको स्पाइडर ने खा लिया शी बिलीड द स्पाइडर्स वेब ऑफ लाइज एंड फ्लैटरे उसको विश्वास हो गया जो स्पाइडर ने जो शब्दों का जाल बुना झूठ बोला उसको फ्लैटर किया वो सब में वो फंस गई शी थाट दैट शी वॉज़ वाइज एंड विटी फॉर सक्सेसफुली अवॉइडिंग द स्पाइडर ट्रैप वैन ही गेव हर ऑल काइंड ऑफ टेम्टेशन जब जितने भी प्रकार के उसने लुभावने ऑफर्स दिए उसको फ्लाई को स्पाइडर ने तो उसको सच में लगने लगा कि वो बहुत बुद्धिमान हैं वो इतनी सुंदर दिख रही है और वो उसके ट्रैप में नहीं फंसेगी हाउ एवर शी लेट गो ऑफ हर ऑल काइंड ऑफ़ टेम्पटेशंस However, एवर शी लेट गो ऑफ caution on ऑन हर सेकेंड विजिट अब पहले विजिट में तो वो थोड़ी सतर्क रही थी लेकिन सेकेंड में उसको सच में उस पर विश्वास होने लगा था और वो बिल्कुल भी कौशन नहीं थी शी बी केम प्राउड ऑफ आर ब्यूटी एंड फॉर गॉड टू स्टे केयरफुल अब वो उसको सच में अपनी ब्यूटी का बहुत घमंड होने लग गया था और वो भूल गई थी कि मुझे स्पाइडर से थोड़ा सतर्क रहना है द स्पाइडर वॉज वेटिंग फॉर अ मोमेंट लाइक दिस और स्पाइडर इसी पल का इंतज़ार कर रहा था हैंस वेन द फ्लाई डिसाइडेड टू गो इन टू द स्पाइडर्स डेन द क्लेवर स्पाइडर ग्रैप्ड हर एंड मेड हर हिज मेल इसलिए जब फ्लाई ने डिसाइड किया कि वो स्पाइडर की डैन में चली जाएगी तो वो जो चालाक स्पाइडर थी जो स्पाइडर ने क्या किया उसे ग्रैप कर लिया और उसे अपने डैन में ले गया और अपनी मेल बना लिया उसको उसने खा लिया द पोएट वॉन्ट्स टू वॉर्म वॉन्ट हर रीडर्स अब पोएट ने अपने रीडर्स को वार्न अपने सतर्क करने के लिए क्या बोला दैट दे शुड नॉट फॉल फॉर द क्लेवर टैक्टिक्स ऑफ स्कीमिंग पीपल जो लोग साजिश बनाते हैं स्कीम बनाते हैं उन चालाक लोगों के तरीकों से सावधान रहना चाहिए शी ट्राइज टू कन्वे दैट बींगोसेंट एंड इनोसेंट एंड गिबुल वुड हार्डली बी यूजफुल उसने कहा कि एकदम भोले भाले बने रहना शरीफ बने रहना कोई इसका कोई लाभ नहीं होने वाला बट वुड अस ईजी विक्टिम्स टू श्रूड पीपल लेकिन उससे क्या होगा जो श्रूड पीपल हैं जो खतरनाक हैं जो बहुत शातिर हैं तेज़ हैं उन लोगों का हम शिकार बन सकते हैं हु वुड टेक एडवेंटेज ऑफ द सिचुएशन और वो उस परिस्थिति का भी फ़ायदा उठा सकते हैं शी एडवाइज रीडर्स टू क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आइज अब उसने एडवाइस सलाह दी अपने रीडर्स को कि अपना दिल अपनी आँखें अपने कान बंद रखें सो दैट दे डो नॉट ईज़िली बिलीव फ्लैट फ्लेट्री एंड स्वीट वर्ड्स ताकि वो बहुत मीठे और चाटुकार लोगों से सावधान रहें जो ऐसे शब्दों पर विश्वास न करें दे नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग और उनको इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए एंड नो देयर ओन स्ट्रेंथ और अपनी जो ताकत है जो अपनी स्ट्रेंथ है उनको समझना चाहिए और अपनी वीकनेसेस को भी एंड नॉट बिलीव इन फॉल्स वर्ड्स और झूठे शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऑल दैट इज़ प्लीजिंग टू द आईज माइट नॉट हैव गुड इंटेंट जो हर कुछ आँखों को अगर अच्छा लगता है तो वो अगर वो प्लीज लग रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसका इरादा अच्छा हो एंड दस वी नीड टू बी कॉशियस तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड द ओपन इन्विटेशन ऑफ द स्पाइडर वेंट इन वेन बट आयरनिकली द फ्लाइज वैनिटी अलाउड इट टू गेट ट्रैप्ड डू यू एग्री एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स अपने शब्दों में लिखिए कि जो ओपन invitation था स्पाइडर का वो व्यर्थ गया लेकिन फिर भी फ्लाई जो है जो मक्खी थी वो अपने घमंड में आके उस उसके घमंड ने उस अपने आप को फंसाया द आंसर इज

अवॉइड किया ट्रैप में फंसने से द स्पाइडर वॉज एब्सोल्यूटली श्योर दैट द स्पाई दैट द फ्लाई वुड फॉल फॉर हिज स्वीट वर्ड्स ऑफ फ्लैट लेकिन जो स्पाइडर था उसे विश्वास था श्योर था वो कि जो फ्लाई है मेरे इन मीठे शब्दों में जरूर फंस जाएगी आयरनिकली लेकिन व्यंगात्मक ये बात है यहाँ पर इट वॉज़ हर ओन वैनिटी ये उसका अपना घमंड था विच वॉज़ हर ग्रेटेस्ट वीकनेस जो उसकी बहुत बड़ी कमजोरी बन गई शी लेट Go of her caution when the spider praised the beauty of her gauze wings and beautiful eyes. जो उसने अपनी सतर्कता जो उसने बढ़ती हुई थी स्पाइडर से दूर रहने के लिए वो उसने सब एकदम जाने दी जैसे ही स्पाइडर ने उसकी ब्यूटी को प्रेज़ किया प्रशंसा की उसके गॉज विंग्स उसके अच्छे विंग्स की उसके ब्यूटीफुल आंखों की शी बिलीड इन द फॉल्स एंड स्वीट वर्ड्स ऑफ द क्रूएल क्रिएचर रादर दैन डिपेंड ऑन हर विजडम एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल तो उसने विश्वास कर लिया ऐसे झूठे शब्दों पर ऐसे मीठे शब्दों पर एक ऐसे अत्याचारी क्रिएचर के ऊपर जो कि उसकी बुद्धिमानी नहीं थी और एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल जो और दूसरे लोगों का भी अनुभव था शी एग्रीड टू गो इन टू द स्पाइडर्स डेन। उसने एग्री कर लिया उसने मान लिया कि उसे स्पाइडर की डेन में जाना है वेयर ही एट हर अप जहाँ की उस स्पाइडर ने उसको खा लिया हैंस हर वैनिटी बिकेम द रीज़न फॉर हर ओन डेथ और उसका अपना ही घमंड था जो कारण बना उसके अपने अंत के लिए ठीक है बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया नाउ लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ रेपिटिशन एंड इमेजरी फ्रॉम द पोएम आपको पोएम से दो दो एग्जाम्पल्स so बच्चों इसका आंसर है हमें इमेजरी और रेपिटिशन के दो एग्जाम्पल्स देने हैं तो इमेजरी का एग्जाम्पल यहाँ पर एक है आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ मेरे पार्लर शेल्फ में एक लिटिल लुकिंग ग्लास है एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज देर आर प्रेटी करटन्स ड्रॉन अराउंड द शीट्स आर फाइन एंड थिन और ये भी एग्जाम्पल है इमेजरी का क्योंकि वहाँ पर ऐसे तो कुछ था ही नहीं लेकिन उसने इमेजिनेशन उसके दिमाग में डाल दिया कि मेरे पार्लर में ये सब है तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन इमेजरी सो नेक्स्ट रेपिटिशन है रेपिटिशन दिस द प्रटीस्ट लिटिल पार्लर दैट है डिड्यूस बाय द वे इन टू माई पार्लर इज अप अ वाइंडिंग स्टेयर यहाँ पर पार्लर वर्ड दो बार रिपीट हुआ है सो दिस इज द रिपीटेशन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज थिंकिंग थिंकिंग ओनली ऑफ आर ब्रिलियंट आईज इन ग्रीन एंड पर्पल ह्यू एंड थिंकिंग ओनली ऑफ अर क्रेस्टेड हैड सो दिस दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिपिटेशन सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग